हाँ यादव जी, आप बताएं। सर वैसे तो म्यूजिक हमारे समाज के लिए देखा जाए तो सर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट स्थापित करता है, और मतलब संगीत एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देता है सामरिक स्थिति में, बात नंबर एक। और दूसरा नहीं, जो एनवायरनमेंट को देता है वो प्रायोगिक तरीके से ही दे रहा है ना। दूसरा अटेंडेंस सीट दे। हाँ नो 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 नो, हम इस पे गए ही नहीं। आपने, हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें पॉजिटिव एनर्जी देता है, आपने ये कहा वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी देता है, आनंद भी है, शांत भी है, सुकून भी है, मन स्थिर भी है, मन को एकांत भी मिल रहा है। और आपको क्या दे रहा है, इनको क्या दे रहा है संगीत, इनके जीवन में क्या प्रभाव डाल रहा है संगीत? यहीं पर आकर के जो पहले उस्ताद कहते थे कि एमए करके सब गाना बजाना भूल के तब मेरे पास आना, उसका रीज़न हुआ करता था। जब ये संगीत का श्रवण करेंगे तभी तो इनको संगीत के द्वारा आनंद की अनुभूति और आनंद की प्राप्ति होगी, ठीक है। और जब ये नहीं सुनेंगे तो कैसे प्राप्त होगी? मगर अगर एक ये उस वातावरण में रह रहे हैं जहाँ पर संगीत का प्रायोगिक धर्म निभाया जा रहा है, जैसे आप एक किसी हॉल में जाते हैं और एक म्यूजिक बजती रहती है, तो जिसकी चॉइस का गाना बजा उसने कहा वाह मज़ा आ गया, जिसकी चॉइस का नहीं बजा उसने कहा यार बस तो बढ़िया रहा, लेकिन ये वाला होता तो और अच्छा लगता। किसी को इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक पसंद है, किसी को वोकल पसंद है, तो अगर ये सुन रहे हैं तभी तो आनंद प्राप्त करेंगे। मगर अगर ये नहीं भी सुन रहे हैं और उस सामरिक वातावरण में हैं तो श्रवण कर रहे हैं, तो उस श्रवण से जो प्राकृतिक आनंद की अनुभूति हो रही है वो इनके अंदर प्रभावशाली बन रही है। अगर ये व्यक्तिगत रूप से उस संगीत को सुनना शुरू करें रुचि के साथ में, तो इनके अपनी व्यक्तिगत छवि का, व्यक्तिगत इनकी ऊर्जा का विकास होगा। ऐसा पढ़ा आपने कभी लोग, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा सुना है? Yes. हैं, कहाँ सुना है? संगीत सुनने से अपनी इच्छा की, संगीत सुनने से जो आपके अंदर ऊर्जा की स्फूर्ति होती है, लगन पैदा होती किसी कार्य को करने की, और एक जो प्राकृतिक रूप से सामरिक रूप से आप संगीत सुनते रहते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? एक उदाहरण है, हमने अपनी चॉइस का कपड़ा पहना, काले जाए क्यों, आज तुम्हें कुछ स्पेशल नहीं दिख रहा मेरे ऊपर? नहीं तो, अरे नहीं हाँ ये तुमने बहुत अच्छा पहना है, तो हाँ यार वहाँ से लिया था, इतने का था। अच्छा, अरे गिफ्ट में मिला है तो आप किसी से नहीं कहते कि देखो कैसा है, खुद ही नहीं अच्छा लग रहा है बहुत, पहन लिया, राइट। उसी तरीके से एक वो संगीत जो आपको दिल से चाहता है और आप उसको दिल से चाहते हैं, जब आपने सुना तो बाग बाग हो गए, रेडियो की भी तारीफ करी, टीवी की भी तारीफ करी, गाने वाले की तारीफ करी, पिक्चर की भी तारीफ करी, और जो सामान्य है अच्छा है, किसी और की चॉइस का हो सकता है आपकी चॉइस का नहीं है, तो आप कहते ठीक है बढ़िया है चल जाएगा, है ना। ये चीज़ होता है, तो वो चल जाएगा, चल जाएगा, चला लिया जाएगा, ये तो हुआ अपनी जो चॉइस में कहीं से फिट नहीं बैठ रहा है।
मगर जो चॉइस में बैठ रहा है वह है कि नहीं ये चल जाएगा, अब मैं अपने मूल रूप पे आ गया। आप परीक्षा पास करके आए हैं यहाँ पर स्वयं, आपको किसी ने भेजा नहीं है, ये अपनी चॉइस से जो आप यहाँ आए हैं, अगर इस चॉइस का आपने भरपूर आनंद नहीं लिया, किसके माध्यम से? एटमॉस्फेयर के माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से, पढ़ाने के माध्यम से, है ना? आप अपनी चॉइस से आए हैं, मैंने आपको बुलाया नहीं है, आपके पिताजी ने आपको जबरन नहीं भेजा है, 80% आपकी मर्जी नहीं होगी तब भेजा है। तो ये आप अपनी चॉइस की जगह पर आए हैं, अगर इस चॉइस की जगह में आपको आनंद न मिला तो ये वातावरण बेकार और हम लोग धूल दूसरे। उदाहरण समझ में आया? तो ये आपकी अपनी चॉइस की जगह है, आपको स्वयं सोचना है कि हमने इस क्षेत्र को क्यों चुना शोध के लिए, यानी कि हमको इसी क्षेत्र में जाना है, इसी क्षेत्र में काम करना है, इसी क्षेत्र में प्रसिद्धि पानी है, ख्याति पानी है, सम्मान पाना है, रोजगार पाना है, अपने गुरु का नाम रोशन करना है, स्वयं को स्थापित करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने उस विद्यालय का नाम रोशन करना है जहाँ से मैं आज तक पढ़ गया, या अपने उस गुरु का नाम रोशन करना है जिससे मैं पढ़ के यहाँ तक पहुँचा। तो इतनी सारी बातों की जिम्मेदारी आपके ऊपर हो जाती है आपकी अपनी च्वाइस से काम करने के पश्चात, और हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम आपको सराफत से, नहीं तो सराफत छोड़ दी मैंने, बहुत अच्छी तरीके छोड़ते हैं सराफत, ये जानती हैं, है ना, सांप दाम दंड भेद हर तरीके से, ये मेरी जिम्मेदारी कि हम आपको ठोक के पीट के कैसा ठप्पा आपके पीठ पे मार के भेजेंगे कि जब आप यहाँ से जाएं तो पता चले कि हाँ हम शोध करके पढ़ के आए हैं, अब हम 5 साल का शोध करेंगे, आपके अंदर इतनी क्षमता, इतनी कैपेसिटी, सोचने की इतनी क्षमता, कार्य करने की शैली की क्षमता, कैसे कार्य करें, किस प्रकार से करें, हाउ टू डू रिसर्च, है ना, हाउ टू सर्च मेथड, किस तरीके से, कहाँ कैसे संभव है, इन सब बातों का ज्ञान आपको यहाँ पर 6 महीने में दिया जाता है। अगर आप उसको समझ करके आप अपनी रुचि से आए हैं तो वो रुचि आपके अंदर जिंदा रहे, वो प्रेरणा आपके अंदर जिंदा रहे, है ना। साइको में कहा जाता है कि अगर रुचि नहीं है स्व के मन में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। भूख लगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, भोजन आपको ढूंढना आपकी मजबूरी है, भूख लगना स्वाभाविक प्रक्रिया है शरीर की, और भोजन ढूंढना आपकी मजबूरी है क्योंकि पेट भरना है आपको, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जो शिक्षा है वो आपका भोजन है, आपको ढूंढना है, और भूख के आपके अंतर्गत, पिपासा आपके अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने की होनी चाहिए, क्योंकि ये आंतरिक है, प्राकृतिक है, स्वभाव है। हम उस प्राकृतिक स्वभाव को डेवलप करते हैं कि आपके अंदर कैसे भूख बढ़े, कैसे भूख जागे, इतनी भूख आपको लगे कि आप कुछ भी मिले खा लो, हम ये चाहते हैं, इतनी भूख का आपके अंदर हम पैदा कर दें कि आपको 18 घंटे उस भूख में जूझना पड़े, हमें ये मैटर ढूंढना है, हमें ये मैटर ढूंढना है, हमें इस टॉपिक के बारे में सोचना है, हमें इस टॉपिक पे लिखना है, हमें इस टॉपिक के बारे में बुक्स ढूंढना है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इसको हमें समझा सकता है, हमें पढ़ा सकता है, हम इसको कैसे पूछ सकते हैं, हम अपने गुरु से एक्स्ट्रा टाइम दे के कैसे इसको जान सकते हैं, इतनी भूख आपके अंदर बढ़ जाए जी, या आप 18 घंटे तक उस भूख में पागल हो जाओ, तब तो आप रिसर्च कर सकते हो बखूबी, नहीं 6 घंटे वाला रिसर्च नहीं कर सकता। अच्छा पिन 6 घंटे वाला रिसर्च नहीं कर सकता बेटा, 4 घंटे गाना गाओ पसीना छोड़ के, और तब उसके बाद जा अंगड़ाई लो तो शरीर का अंदाज समझ में आ जाता है कि किस घुटने में कहाँ दर्द हो रहा है। जो साधक हैं वो जानते हैं, जिनके लिए संभव है। या 3 घंटे 4 घंटे पढ़ के उठो और अंगड़ाई लो तो मालूम पड़ जाता है कि कुर्सी पे बैठे थे कि खटिया पे बैठे थे। हम लोग बेटा खटिया ही बोलते हैं, उसी बैठे ही आज तक। और अगर क्लास में लेक्चर सुन रहे हैं
तो नींद कब आ गई सबकी कि वहीं सो गए, अच्छी बात है, हम इसको बुरा नहीं मानते। मगर तब जब वो मस्तिष्क में जो पढ़ के सोए, जो सुन के सो रहे हैं, वो चलता रहे यार, तब तो मज़ा है। वो भी सो गया तो सुसुप्ति हो गई है बेटा, वो सुसुप्ति ना हो। मैं आपको बताऊं, आपके भातखंडे का यही कोर्स में पढ़ा रहा था, वहाँ परीक्षा लेने के लिए गया हो, तो सिस्टी माथुर जी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, उन्होंने हमसे कहा कि गणेश भाई दो पीरियड आपको पढ़ाना है। हमने कहा अच्छा ठीक है, लंच करने के एक घंटे बाद थोड़ा टहल घूमे आए। हमने मनोज से काम का चलो मैं थोड़ा टहल आया जाए, मनोज हमारे छोटे भाई की तरह टहल उल के आए, इन गणेश भाई हमका छोड़ दो, हमको दो घंटा पढ़ा देंगे हम इनको। माननीय वी सी जी आई बैठी, सब लोग खड़े हुए, हम लोगों ने उनका विनम्र प्रणाम किया, बोले गुप्ता जी आप पढ़ाती रहिए। बेटा मैं पढ़ाता रहा, वो कब उठ के गई कब नहीं गई मुझे पता नहीं चला। उन्होंने ऊपर सिस्टी माथुर जी के पास जाके कमेंट लिखा मेरे बारे में, चलिए। और फिर सिस्टी जी भी थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट के बाद आई होंगी, बैठी थी गई यहीं, सब अपना काम कर रही थी। जब मेरा लेक्चर ख़त्म हुआ तो उन्होंने उनको दूर से घड़ी दिखाई, तो हमने देख लिया इधर 2:20 हो गया, हमने कहा ख़त्म करो। सब बच्चे गए, हमने कहा बेटा कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि वक्त किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। तो हमने कहा यार हो सकता है हमने पढ़ाया अच्छा ना हो कि इनके दिमाग में प्रश्न ही नहीं जाएगा, खैर कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि वीसी साहब ने ये कहा कि ये पढ़ाते हैं तो इनके पास किताबें कापी नहीं होती है, क्यों? तो हमने कहा मैडम यहाँ परीक्षा लेने आए थे, किताब कापी लेकर, अब जिंदगी भर ये सब करके किताब कापी लेकर गए। एक जगह मेरे ऊपर और ऐसे कमेंट आया कि किताब कापी लेकर नहीं आते हैं, आज हम किताब कापी लेके आएंगे, तुम लोग कमेंट ना कर सको। तो शोध का मूल मंत्र ये है कि आपके अंदर 18 घंटे शोध के विषय में सोचना करना चाहिए, प्रक्रिया करनी चाहिए। आप बहुत पढ़ेंगे अपना जो और अदर कोर्स पढ़ेंगे इधर उधर जा करके, आप हमें एक बात बताइए, आप शोध से क्या समझते हैं? शोध से, रिसर्च से आप क्या समझते हैं? सर किसी विषय में कुछ नया ढूंढना, ये शोध। आप हमको एक बात बताइए, जब से संगीत आप जानते होंगे तब से की मैं बात कर रहा हूँ, एक सप्तक में कितने सुर होते हैं? सात। आठवां कोई ढूंढ सका? आठवां सर जैसे हम ना जैसे वैसे नहीं, आठवां कोई ढूंढ सका? यस या नो? नहीं। क्यों? क्या किसी को इसमें रुचि नहीं हुई या किसी ने सोचा नहीं यहाँ पर? राइट थाट कितने होते हैं? किसी ने सोचा 11वें के बारे में? नया, इन्होंने नए की बात की, मैं बात कर रहा हूँ यादव जी, ठीक है यादव जी ना बोलिए, 11वें थाट के बारे में किसी ने सोचा है? 100 बरस की बात कर रहा हूँ, 100 बरस में किसी ने 11वें थाट के बारे में सोचा? पंडित भाटखंडे और विष्णु दिगंबर पलुस्कर जिनको संगीत को लोग पिता मानते हैं, पितामह मानते हैं, मैं नहीं मानता, मैं उनको बिल्कुल नहीं मानता, मैं उनको पितामह मानता हूँ। ये जो संगीत आज हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने का माध्यम उन्होंने दिया, दूसरा जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं इस प्रांगण में, इसका केंद्र उन्होंने बनाया। राइट, देखो यस नो में जवाब देना है, जो ना बात समझ जाए उसको कहिए नहीं, तब तो हमको मजा आएगा। हम सब कहते राइट तो हमसे डर के मत पढ़ो, हाँ जरा दूसरे मिजाज के आदमी लगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। किसी ने सोचा 11वें थाट के बारे में क्यों पंडित जी? क्योंकि उन्होंने जो बताया उसमें लोग फॉलो करते चले आए। पिता ने बताया था लोटा में पानी लेके जावा करो, हैं ठीक। आज आप कमोड में जाते हैं, ये किसने सिखाया आपको? समय के अनुसार तो जब ये नई बात 10 थाट बनी तो 11वां थाट समय के हिसाब से आगे बनाने के लिए किसी ने क्यों नहीं सोचा? अब उसका एक उदाहरण बहुत अच्छा है, एक पिता के 3 पुत्र, इतना ही बड़ा उसके पास मकान, 2 दीवारें उड़ गई, 3 खंड हो गए। अब वो एक दीवार से बाहर नहीं सोच सकता यार, क्योंकि सीमित हो गई बात, ऊपर जाओ नीचे जाओ उतने में ही जाओगे। तो जो 10 थाट बनाए गए
एक सप्तक में 7-8 कितने सुर कह रहे हैं बाबूजी आप? 7 बनाए गए। 8वें के बारे में या 11वें के बारे में गुंजाइश ही 100 बरस के संगीतज्ञों में नहीं बचे कि कोई दूसरा थाट बना लिया जाए। क्यों? उस थाट के गर्भ में ही इतने घुसे हुए हैं कि हम उसे ही नहीं पी पा रहे हैं, बाहर नहीं निकाल पा रहे, तो 11वें की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ये तो बहुत मेजर बात हम कह रहे हैं। अब आप लोग जो शोध करने की बात कहते हैं, क्या सोचते हैं आप कि किस विषय पर शोध कर लेंगे संगीत में? क्या नाम है आपका? अविनाश। हाँ अविनाश, हाँ बता बेटा। भई आप पास करके आए हैं, पढ़ने आए हैं, कुछ तो दिमाग में मंथन होगा कि हम शोध करेंगे संगीत, तो क्या विषय लेंगे, क्या नया निकालेंगे? किस प्रकार का सैद्धांतिक? लोक और शास्त्रीय संगीत है, तो प्राचीन काल में मतलब एक दूसरे के काफी करीब था, एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। हम ये कहेंगे प्राचीन काल में शास्त्रीय संगीत था ही नहीं, तो हाउ यू कैन डिफाइन इट? कब था? ये तो यार तुम आगे की बात कर रहे हो, हम तो बहुत पीछे की बात कर रहे हैं। अगर लोक संगीत की बात करोगे तो मार्गी देसी क्या है? तो पहले तो मार्गी था ना, तो सैद्धांतिक रूप से था, सिद्धांत था कि नहीं था उसमें? तो सिद्धांत के आधार पर तो उसमें शोध का नया काम कहाँ करेंगे आप? महर्षि भरत ने पढ़ाया, दत्तिल ने पढ़ाया, मतंग ने पढ़ाया, नारद ने पढ़ाया, शारंगदेव ने पढ़ाया, तो ये सब तो करते आ रहे, जितने उस समय के हिसाब से शोध उसमें होते गए वो करते आए। तो उसमें सिद्धांत तो वो बना के जो गए, उस सिद्धांत को किसी ने कम माना, किसी ने ज़्यादा माना, मगर माना सबने। तो आप उसमें क्या सोच करेंगे? मैं आपके ऊपर की बात कर रहा हूँ, आप उसमें क्या सिद्धांत बनाएंगे, नया सिद्धांत लाएंगे? आप ये कर सकते हैं कि जिन्होंने जिस सिद्धांत को माना, समयानुसार जो परिवर्तित किया, वो किस आधार पे किया होगा, क्योंकि वो समय आप नहीं देख रहे हैं, किस आधार पे किया होगा, उसका माध्यम क्या रहा होगा, उसका स्रोत क्या रहा होगा, और उसकी कितनी आवश्यकता रही होगी। सिद्धांत इतना जितना छोटा है बेटा, उतना है नहीं वास्तव में, है ना? तो एक हम शोध की बात कर रहे हैं कि संगीत में आप नया क्या करेंगे, आपने कहा सिद्धांत पे करेंगे। हमने आपको बताया कि देखिए इस पर कोई सोच नहीं पाया, गाने के जितने भी घराने हो, आज आप लोग जो पढ़ रहे हैं सभी लोग गाने के, हमारा ख्याल है सभी लोग गाने गाने के विषय के हैं ना। चलिए जितने भी घराने हैं, 50 बरस में कोई नया घराना बना है? ऐसा तो नहीं कि बड़े कलाकार नहीं है, कोई नया बना है घराना? क्यों ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं नया? कुछ नया ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं और पुराने को नहीं घिस पा रहे हैं। जो पुराना उस्ताद दे गए हैं कहते हैं उसी की सफाई नहीं कर पा रहे हैं, मैं आगे क्या सोचे, उसी को नहीं पूरा कर पा रहे तो आगे की क्या सोचे, यह गुंजाइश नहीं है, है ना? अब गुंजाइश कहाँ है, ध्यान से सुनिए। टेक्निकल यहां गुंजाइश है कि एक ही घराने के दो कलाकार, दीप्तिमान कलाकार, जरा आप दो कलाकार का नाम बताइए, एक घराने के दो कलाकार। गायन गायन भैया गाने की बात कर रहे हैं सरकार, मेरे तबला कहेंगे तो कह दो बोलो। बनारस घराने के ले सकते हैं छन्नूलाल मिश्रा जी, राजन साजन मिश्रा जी। दोनों में क्या गायके में डिफरेंस है, क्या गाते हैं? राजन साजन जी ज्यादातर 90% ख्याल गायके गाते हैं, वो ठुमरी नहीं गाते हैं, मधुरेयर और दरेयर इस केसेस में, और छन्नूलाल जी का ज्यादातर फोकस। बनारस घराना
ख्याल और ठुमरी दोनों के लिए अलग अलग अंग है ए एंड बी, ठीक है ना। अब एक ही घर के दोनों हैं, एक ए के हैं और एक बी के हैं। आपने एक बी का बताया और एक ए का बताया, एक ए का आपने राजन साजन बताया, दूसरा एक और बता दीजिए। बनारस के जो ख्याल ए ए ए माने ख्याल, बी माने ठुमरी। हमने देखिए प्रश्न हमारा ध्यान से सुनिए, हमने नया या पुराना तो कहा ही नहीं, जो बीत गए पास्ट हो गए हमने वो भी नहीं कहा, जो प्रेजेंट है वो आप जानिए। पशुपति नाथ मिश्रा जी, भोलानाथ मिश्रा जी, ये सब लोग पशु दीप्तिमान पशुपति नाथ मिश्रा जी माना जी, ठीक है ना। अब इन्हीं दोनों में कुछ अंतर है गायकी में जी, क्या अंतर हो सकता है? राजन साजन जी लोगों ने जो और भी घराने की जैसे तानकारी है, छोड़ दीजिए अपनी अपनी बात करिए, केवल अपने घराने की तानकारी ना बानकारी, राजन साजन मिश्र गाना गाते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, दीप्तिमान कलाकार हैं। पशुनाथ पशुपतिनाथ मिश्रा जी का मुकद्दर ही नहीं साथ दिया, वरना अमरनाथ पशुपतिनाथ की जोड़ी दुनिया में फेमस होती, वो तो इसमें बीत गए ना पूरी ज़िंदगी, तो कहाँ से होगा। मगर ख्याल तो एक ही था ना, घर एक था घराना एक था, टेक्निकल गाने बजाने की चीज़ अलग थी, सुर लगाने का हिसाब, घराने को जिंदा रखते हुए रिया जितना कर लिया, ताने पानी के तरीके से जा रही हैं, विविध प्रकार की ताने जा रही हैं, गमक की जा रही है, विविध प्रकार की ताने जा रही हैं, मुखड़े बन रहे हैं और गा रहे हैं, यहाँ शोध हो सकता है, यहाँ शोध हो सकता है कि पंडित राजन साजन मिश्र की गायन शैली की गायन शैली का विविधतापूर्ण विश्लेषणात्मक अध्ययन ठीक है ना। बनारस घराने की गायकी और पंडित छन्नूलाल मिश्र, बनारस घराने की गायकी और पंडित छन्नूलाल मिश्र। अब बनारस घराने की गायकी क्या है ये बताइए, और हु इज द पंडित छन्नूलाल मिश्र इन बनारस घराना, तो पूरा लाइफ इनका आ गया और बनारस घराना आ गया। विशेष रूप से आप जरा नोट कर लीजिए इस बात को, है ना, बैठ के यहाँ सुस्ताओ ना। हाँ नहीं, हाँ मेरी बात जिसको बुरे लगे भाई हमसे कह दीजिएगा, जरा आप बाणी जरा हमारी जरा बहुत अच्छी नहीं है, है ना। हाँ हाँ हम इतना बंद के रह भी नहीं पाते यार, क्या है बता दें। अच्छा ठीक, बनारस घराने की गायकी और पंडित छन्नूलाल मिश्र, कापी किताब सब लोग खोल लीजिए, महात्मा ने ढूंढे गणेश प्रसाद जल्दी नहीं मिलते बेटा। हाँ और हम लखनऊ वासी नहीं है, नज़ाकत वाले काम नहीं करते, दलाल से काम करते हैं। हाँ श्रुति सिरोडकर जी चाहे जैसी हों, लेकिन गणेश प्रसाद जी जब पहुँचे लखनऊ तो पहले दो ऐसी कमरा बुक हो गया कि नहीं, टिफिन लग गया कि नहीं, गर्म पानी रखा हुआ कि नहीं, उनके यहाँ पर ये आदेश कर देती थी, तो हम उनको बड़ा वो करते थे भैया ऐसा कौन सा हमने सुरखाब का पर जोड़ा। मगर एक दिन बेटा एक परीक्षा में कुछ ऐसा हो गया था कि मैं थोड़ा उग्र हो गया, लड़के ने ज़रा गलत हिसाब से बोल दिया था, हमने कहा बेटा तू नहीं तेरे उस्ताद को ही बुलवाते हैं अभी हम, और जब उस्ताद तेरा जूते से मारेगा हमारे सामने तो उसको अवकाश समझ में आएगी अपनी तू क्या है, और मैंने लिखित कंप्लेन उसकी करी थी, जानती हो तुम, छोड़ा नहीं था इसको। तो ये जो मेथड है कि अब आपको मिला ना टॉपिक कि बनारस घराने की गायकी और पंडित छन्नूलाल मिश्र, तो हुई पंडित छन्नूलाल मिश्र ये बताइए, और व्हाट इज द गायकी आप बनारस घराना ए और बी आप उसमें लिख सकते हैं, ख्याल गायन के संदर्भ में या ऑब्लिक ठुमरी गायन के संदर्भ में, अब आपकी रुचि आ गई जिसमें आपकी रुचि हो, ठीक है ना। ये ऐसे शोध के विषय हैं
जिस पे आपको काम करने का तरीका सीखना पड़ेगा और आपको काम करने की गुंजाइश मिलेगी। किताबों के पन्नों में मत उलझो यार, जिन्होंने गाने बजाने को जिंदा रखा उसको तुम तो अपने शोध के माध्यम से जिंदा रखो, है ना। तो बनारस घराने की गायकी और पंडित छन्नूलाल मिश्र, ठीक है ना, पंडित राजन साजन मिश्र की गायन शैली की विविधताओं एवं तकनीकी, विविधता एवं तकनीकी गुणों का अध्ययन। चलो 50 लोग मिल जाएंगे तुमको उनके बारे में साक्षात्कार देने वाले, आप सब उनसे साक्षात्कार कर सकते हैं, ठीक है, उनके समकक्ष लोगों से उनके बारे में, उनकी गायकी बारे में जान सकते हैं। और केवल गायक ही समकक्ष लोगों से नहीं, अन्य वाद्य वादकों के समकक्ष जो उनके समकक्ष उनके बारे में जान सकते हैं, ठीक है ना। तो कितने आपको साधन मिल गए, सोर्स मिल गए आपको रिसर्च करने के लिए। ऐसे विषय आपको लेने चाहिए। है ना, ध्रुपद गायन शैली की परंपरा लगभग 600 साल 700 साल पुरानी है, अपने उदय से लेके आज तक में, ठीक है ना। प्रकृति का नियम है बदलाव, तो ख्याल भी आ गया, ठुमरी भी आ गई, टप्पा भी आ गया, तराना भी आ गया, मगर जो ध्रुपद मूल रूप से था और जो मूल रूप से ध्रुपद के लिए जाने जाते थे, उन्होंने ध्रुपद के अलावा किसी को आत्मसात नहीं किया, इसीलिए पंडित जी आज ध्रुपद जिंदा है। अगर वो ध्रुपद से अमे चलो थोड़ा सा ख्याल गा लो, अमे चलो थोड़ा ठुमरी गा लो, जैसा आजकल का ट्रेंड है, ख्याल भी गाता हूँ, ऐसा नहीं है, ख्याल भी गाता हूँ, ख्याल के लिए भी बुला सकते हैं, 2-4 हज़ार मिल ही जाएगा साला। हाँ, तो अगर ऐसी प्रकृति के लोग होते तो बेटा 700 साल के बाद आज ध्रुपद जहाँ जी रहा है वो आज यहाँ जी नहीं पाता। उन्हीं लोगों की बदौलत जिंदा है ध्रुपद, जिन्होंने सिर्फ ध्रुपद और ध्रुपद और ध्रुपद को ही अपना जीवन साथी माना, जिस वजह से आज ध्रुपद यहाँ तक जिंदा है। कल 100 कलाकार थे, आज 10 हैं, कहीं कहीं ढूंढने से नहीं मिलते। भाई क्या कौन सी ध्रुपद में खराबी आ गई भैया, ध्रुपद में कौन सी खराबी आ गई, कोई खराबी दिखती है, आप बताइए, आपने भी तो पढ़ा है, भी किया है, ध्रुपद गाया होगा कभी ना कभी, हैं, कौन सी ऐसी खराबी है भाई। उसकी अपनी शैली है, ख्याल की अपनी शैली है, ठुमरी की अपनी शैली है, तो क्यों आत्मसात नहीं किया जा रहा ज़्यादा से ज़्यादा। और 98% जो लोग इंटरव्यू में जाते हैं मैं देखता हूँ उनको, तो वो ख्याल गाते हैं, उनसे कभी जरा ध्रुपद गा दो जरा एक आध दो राग में, उनकी अम्मा याद आ जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें उनकी रुचि नहीं रह गई। सरोद गायब हो रहा है, सितारा, सब सारे कॉलेज में सितारे, सरोद का टीचर ही नहीं, कहे भैया बात करने जी, क्या सत्यनाश करके गए तुम, अब मैं सितार था तो सरोद भी रख देते भाई, उसके पहले था, उसका बड़ा भाई था, कहीं मिलता है आपको साहब किसी डिग्री कॉलेज में सरोद वाला टीचर, अगर सितार बजा रहा है ठीक है, नहीं बजा रहा निकल लो किनारे लो। तो ये क्यों, ये यही दोनों करके गए। तो ध्रुपद में कोई खराबी तो नहीं है ना, रुचि में कमी हो गई। हम फिर पॉइंट पे आ गए, रुचि में कमी हो गई। संगीत के 10 विद्यार्थी हैं, अपने से शोध करने के लिए आ रहे हैं, उनके अंदर रुचि है कि मैं संगीत में कुछ करना है। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमको उनकी भूख को कैसे शांत करना है, उनके अंदर किस किस वैरायटी की भूख उत्पन्न करनी है, डोसा खाएंगे कि पिज्जा खाएंगे कि मोमोज खाएंगे कि बर्गर खाएंगे कि ठंडा हो रहा मेरा समोसा खाएंगे, है ना, ठीक है ना बेटा। तो ये आपकी रुचि पर निर्भर करता है। तो हम अपनी मूल आत्मा को अगर भूल जाएंगे तो हम आगे कैसे सर्वाइव करेंगे बेटा। तो हम आपको ये समझाते हैं कि आप अपनी परंपरा को नष्ट ना होने दें, उसको जीवंत रखें,
वो चाहे ध्रुपद हो या चाहे धमार, आज के 200 साल के बाद ख्याल, 200 साल के बाद ठुमरी, फिर कोई पैटर्न नहीं आ जाएगा, हम लोग नहीं रहेंगे, आत्माएं देखेंगे हम लोगों के घूम घूम के कौन सा पैटर्न आया है ना। तो ये रुचि की कमी जो है ये हम पैदा करते हैं कलाकार, इसके दोषी हम कलाकार हैं। जिस विधा का कलाकार जहाँ पहुँचा उससे प्रशासनिक सुविधा मिल गई तो अपने बाप दादा चाचा मामा ताऊ नाना सबको उसी विधा में घुसेड़ने की कोशिश करेगा, वो कहेगा सब लग जाओ दूसरी विधा वाला कितना भी अच्छा किनारे बैठ जाओ। ये होता है, ये हो रहा है, हम रोक नहीं सकते। मगर आपकी अगर रुचि जिंदा है तो आपको कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। जैसे ध्रुपद की कामयाबी आज जिंदा है कि 10 में 2 गा रहे हैं ध्रुपद, मगर ध्रुपद जिंदा है। इसी तरीके से शोध में सैद्धांतिक पक्ष जो है और जो कलात्मक पक्ष है, सैद्धांतिक पक्ष जब भी आप शुरू करेंगे महर्षि भरत से लेकर के टिल टुडे, आपको कम से कम 50 विद्वान मिल जाएंगे, संगीत मनीषी संगीत विदुष पुरुष मिल जाएंगे, जिन्होंने अपने पुस्तकों में अपने ग्रंथों में संगीत के सिद्धांत की व्याख्या की है। आप उसमें क्या शोध करके नया सिद्धांत पैदा करेंगे? आप केवल उस सिद्धांत को पढ़ ही लीजिए तो बहुत बड़ी बात है। और किस आधार पर उन्होंने परिवर्तन किया होगा उस आधार को जान लीजिए तो बहुत बड़ी बात है। हम इसीलिए कहते हैं, हम प्रैक्टिकल आदमी थोड़ा हैं, कि उन लोगों ने जिन्होंने संगीत को 200 बरस 500 बरस से 1000 बरस से आगे 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 बढ़ाया है, तो कैसे बढ़ाया है, हाउ टू गो, कैसे गए, है ना, उस विषय पे सोचिए, उन कलाकारों पे सोचिए, उन कलाकारों की गायन शैली वादन शैली की तकनीकी गुणों के बारे में सोचिए, उनके संघर्ष में जीवन के बारे में सोचिए, उनकी गायकी की परंपरा के बारे में सोचिए। यहाँ आपको बहुत विशाल नई चीज मिलेगी, बहुत विशाल मिलेगी, और इतने साक्ष्य आपको मिलेंगे कि आपको बौद्धायत लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वयं से अपना साक्षात्कार पहले खुद कीजिए, फिर दूसरे से साक्षात्कार कीजिए, जिनके ऊपर करना चाहते हैं उनसे साक्षात्कार कीजिए, नहीं है तो उनके परंपरा के लोगों से साक्षात्कार कीजिए, तब आपको बारे में मिलेगा। आप सृष्टि माथुर जी के बारे में शोध कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, इतने वर्षों से पढ़ा रही हैं, इतना अध्ययन कर रही हैं, इतना वर्क उनका है। आप भातखंडे संगीत संस्थान के ऊपर शोध कर सकते हैं कि क्या था भातखंडे संगीत हिंदुस्तानी मेरिज कॉलेज, आज विश्वविद्यालय कैसे बनाया, किस प्रकार से उसकी रूपरेखा रही, कैसे विकास की गति पाई, किन किन लोगों ने, महापुरुषों ने उसको चलाने में अपना योगदान दिया। दिस इज द टॉपिक ऑफ द रिसर्च ऑन इंस्टीट्यूशन। किसी ने सोचा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ कैसे बना, किन परिस्थितियों में बना, कैसे चला? मैं वहाँ का स्टूडेंट था, मैंने टॉप किया था वहाँ पर 84 में तबले में, और जब गया तो एक दीपक दिख रहा था बहुत दूर पे। हमने कहा कि भैया खैरागढ़ यूनिवर्सिटी जाना है, कहीं वो म्यूजिक वाला ना, हम कहाँ, हम कहा यार म्यूजिक बोल रहा है आदमी, संगीत जानता है मतलब, या तो या वैसे म्यूजिक बोल रहा। तो हमने कहा दादा म्यूजिक जानते हो, कहीं वहीं 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 वो तत्ता धन्ना तत्ता धन्ना होता तो वाह जो लौकत बना मोमबत्ती वाला वहीं चला जाए। भैया इलाहाबाद से भिलाई गए, भिलाई से राजनंदगांव गए, राजनंदगांव से बस से बैठे, शाम को 6:30 बजे उतरे, कहीं लौकत बाद चला जाओ। अच्छा भैया, एक हाथ में बेटा है तैची, एक हाथ में छोटा सा झूला लिए चले गए। करीब 1.5-2 किलोमीटर जाने के बाद में जब करीब आए तो देखा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय बज्जियो पहुँच तो गए। उस पर सोच कर सकते हैं आप, कितने बच्चे वहाँ से पढ़ के निकले, कितने आज प्रोफेसर रीडर हैं, कितने आज पीएचडी होल्डर हैं,
है ना, कितनी पुस्तकें वहाँ के विद्वान कलाकारों ने लिखी, कैसे कैसे विद्वान वहाँ विजिटिंग प्रोफेसर हुए। शोध करिए, ये तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। हाँ भैया, उस पर शोध करिए, देखिए आपको क्या क्या मैटर मिलता है। उस पर क्यों जाइए जो 10 मार गड्ढा खोद रहे, पत्थर मिलेगी, पानी कोई जानता है नहीं यार, उस पर काय सर खपाओ, है ना। तो इंस्टीट्यूशन अपने आप में जो प्रेस्टिजियस हैं, जिया जी राव विश्वविद्यालय पे करिए जरा, संगीत विभाग पे, ठीक है। और हम यार BHU के कम से कम दर्जनों हमने थीसिस जांच डाली, और एक बार वाइवा में गए तो हमने कहा कि यार हमें कोई ऐसा भी चेला बनाओ यार जो BHU के ऊपर शोध करे, संगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, व्हाट इज दिस, है क्या ये, कब इस्टेब्लिश हुई, किसने इस्टेब्लिश किया, क्या क्या हुआ, कितने बड़े बड़े नामी कलाकार यहाँ पढ़ा के गए, कितना शोध यहाँ पर हुआ, कितने लोगों ने यहाँ से आके पढ़ाई की, कितने आज प्रोफेसर लेक्चरर लीडर हैं, क्या ये शोध का विषय नहीं बाबू हैं। तो ये सब तो ऐसे यार कि लाइव टेलीकास्ट है, ये होलो पन्ना मिलता जाएगा धनाधन, तो क्या जरूरत है तीसरी शताब्दी में पांचवी शताब्दी में जाने की, कोई जरूरत नहीं। इंस्टीट्यूशन का आप कर सकते हैं, सरकारी हो गैर सरकारी हो, किसी संगीत शास्त्रकार के ऊपर आप कर सकते हैं, किसी संगीत शास्त्रकार के जीवन के ऊपर आप कर सकते हैं, उन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी हैं, किस सिद्धांतों के आधार पर लिखी हैं, और उनका अपना मत क्या है। एक पुस्तक में लिखी हुई कोई बात उस पुस्तक का व्यक्तिगत मत होता है, व्यक्तिगत मीन्स जिसने लिखा है उस लेखक का। एक ने लिख दिया कबूतर और एक ने लिखा कबूतर का, इसका भी मतलब कबूतर, इसका भी मतलब कबूतर, तो हमने कहा ये कबूतर लिखना आपका व्यक्तिगत मत है, जनमानस का मत कबूतर है, तो आप अपनी किताब में लिख करके स्वयं के मालिक हैं। जनता जनार्दन जिसको नहीं मानती वो कबूतर ही मानती है, 2+2=4, 4.0 करेक्ट, तो आप कहिए 2+2=4.1, ये आपका मत है ना, आप तृतीया हो, हम थोड़ी नहीं हैं, हम कहे बनेंगे भाई हैं, हम कहे बनेंगे। तो पुस्तक लिखने का काम जो है, पुस्तक में लिखी हुई बात उसका अपना मत है। किसी ने कहा दादा था दादी ना दातू ना, एक साहब उनको गोरखपुर में मिल गए, यहाँ से कुछ कम थे, कहीं धगन नतीना तगन नतीना, हमने कहा ये आपका अपना मत होगा, कहीं नहीं 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 हमारे बनारस घराने का है। वीडियो बंद होता तो अभी मैं इसी बात सुनाते कि जिसका समझ में आ जाता इसमें नहीं बोल सकता। तो हमने कहा महाशय दादरा ताल क्या बोल, दादरा ताल का, दादरा ताल का क्या बोल है, हाँ खड़े हो, खड़े हो, ताली लगाओ दादरा ताल की, ये चल रहा है यार, कुछ नहीं कहेंगे, ताल नहीं मालूम है दादरा ताल, बैठ जाओ, अच्छी बात नहीं ना, ये अच्छी बात है आती, तुम्हें आती है, ये अच्छी बात है नहीं आती दादर ना, तुम भी बैठो भाई, हम आपसे पढ़ना तो तैयार है ना इन सब बातों के लिए, हम बता दे रहे हैं, हाँ हम छोड़ते नहीं किसी को, अपने आप को नहीं छोड़ते हम, क्या कह रहे थे बेटा हम, तो हम बदलने की स्थिति में तब होते हैं जब हम उसको प्रूफ कर सकें, तब तक नहीं बदल सकते जब तक हम उसको प्रूफ ना कर सकें और जनमानस को मनवा ना सकें। तबले में कितने वर्ण होते हैं, कोई तबले वाला नहीं, 10 राइट, 10 होते हैं। एक सेमिनार में हम भिड़ गए, हमने कहा सर एक मिनट, 11 होते हैं, तो हमको इशारा करके कह रहे भरा है ना पेट, हमने कहा हाँ भरा है,
ग्यारह होते हैं ग्यारह भाई, सारी किताबों में दस लिखा, उनका यह उनका व्यक्तिगत मत है कि दस होते हैं, ठाठ दस होते हैं, इस सब किताब में लिखा है। कोई ग्यारह कहे तो अपना ग्यारहवां ठाठ बतावे। दस स्वर्ण तबले के होते हैं ये सारी दुनिया कहती है, सारे पुस्तक वाले कहते हैं। मैं गणेश प्रसाद गुप्ता कह रहा हूँ कि तबले के ग्यारह वर्ण होते हैं, एंड आई कैन प्रूफ। तो भाई ठीक है, इनका तबला मंगाइए। प्रूफ कैसे करेंगे, जब बजेगा तभी तो प्रूफ करेंगे। तबला मैंने मंगवा लिया और हमने कहा साहब दस वर्ण आप बताते जाइए, मैं बजाता जाऊँ। दस वर्ण मैंने बजा दिया, उन्होंने बता दिया, कहने अब ग्यारहवां हमको, आपको आता है कोई ग्यारहवां? ग्यारहवां तो तुमने, हमने कहा हमने काम तो बताएंगे। आप में से किसी को ग्यारहवां आता है? तबले वाले कितने लेक्चरर बैठे हुए यहाँ पर, यहाँ तो भैया तबले वाली लेक्चरर जरा हाथ उठाओ। तीन चार ने हाथ उठाया, एक तो आधा का उठता नहीं क्या, पूरा पूरा उठा लो इसे। हाँ हाँ उठा दिया। तो हमने कहा ग्यारहवां कुछ ध्यान में आ रहा है, स्मरण में आ रहा है? बोले नहीं। हमने कहा हो गया ग्यारहवां। तो बोले क्या हुआ? हमने कहा करा संयुक्त वर्ण है, धा संयुक्त, धन संयुक्त, अक्रा काहे नहीं ध्यान जा रहा है। भाई मेरी सोच एक दिन चली गई कि यार हम दस बताते हैं ग्यारह बजाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा? तो हमने इसको कम से कम दसियों लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन में पीटा धोनी इसकी। कुछ जो मतलब बच्चे तो भैया वही हैं बड़ों के सामने, बच्चे हमेशा रहेंगे बेटा, कभी बड़ों के सामने असिस्ता नहीं होनी चाहिए। लाख तुम्हें गाली दें, सुन लो, बर्दाश्त करने की क्षमता रखो। तो ऐसे लोग भी थे जो हमें ऐसा कहते थे, सिर फिरा है, आगल है, बहुत हो गया। हमने कहा हमारी बात को प्रूफ कर दो, हम मान लेंगे कि ये संयुक्त वर्ण नहीं है, हम मान लेंगे। नहीं हम मानेंगे नहीं, हम अपने सुनेंगे नहीं किसी की, हम है ना। तो उस तरीके से आप अपने शोध में जिस विषय को लीजिए, इतना ठोस सबूत के साथ आइए कि सामने वाले को कहना पड़े कि ये नया हुआ, दिस इज द रिसर्च। फिर हम अपने टॉपिक पे आ गए कि इतने ठोस सबूत के साथ आइए कि ये प्रैक्टिकली भी है और ये थ्योरेटिकली भी है, और आप इसको मानेंगे और हम आपसे मनवाएंगे, हिंसात्मक रूप से नहीं, अहिंसात्मक रूप से मनवाएंगे। आप कहेंगे हाँ, फिर आप कहेंगे हाँ ठीक नहीं, ठीक है, हाँ ठीक ही है, नहीं आपको कहना पड़ेगा ठीक है, तब तो आप एग्जामिन मुझे कर रहे हैं और तब मैं आपकी बात सुनूंगा, पांव छूंगा, वरना ठेंगे सब यहाँ नहीं दिख रहा है ना। तो बेटा सिद्धांत हो क्रियात्मक या शास्त्रात्मक, तकनीकी हो तो प्रूफ, सैद्धांतक हो तो साक्ष्य आधार, और व्यक्तिगत हो तो मत का आधार। व्यक्तिगत हो तो मत का आधार, पॉइंट नोट करना, व्यक्तिगत हो तो मत का आधार, मेरा मत इस वजह से, इस तरीके से, इस सिद्धांत के द्वारा, इस कलात्मक दृष्टिकोण से यह होगा, दिस इज द रिसर्च। हल्का नहीं है रिसर्च। जैसे कि मैडम ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि हम एमए पास करके आए हैं, अब हमें छः महीने पढ़ के क्या जरूरत है, हमें लल्लू तुम एमए पास करके आए हो, हम तो साहब कहते हैं और क्या। हम लोग ये 30 साल से घास छिल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आदि अपने उस्ताद के पास जाते हैं, वो कभी कभी कुछ ऐसा कह देते हैं वो बेटा कि हमें आधा घंटा सोचना पड़ता है कि 85 साल हो गए अभी तक इनके दिमाग चल कैसे रहा है। बेटा उन्होंने 60 बरस अपनी ज़िंदगी के दिए हैं संगीत में, 70 बरस दिए हैं, और ऐसे विद्वानों के साथ में दिए हैं जिनको हम लोग सोच नहीं सकते। तो उनके उनका दिमाग कब क्या सोचेगा, वी डोंट नो, कब को आप वो क्या कह दें तो बहुत बड़े सुरमा भोपाली बने और 2 मिनट तुम्हारी उतार के नीचे कर देंगे, और उस्ताद के सामने कोई तारीफ करके बस करो हो गया ना। मतलब वो कोई तारीफ कर रहा है उनके शागिर्द की, लेकिन बस करो हो गया ना,
भावना बढ़ाओ। तो ये भावना बढ़ाओ क्या है? अभी ये लड़का है, इसका हिम्मत बढ़ाओ, इसका हौसला बढ़ाओ, इसको काम करने के लिए प्रेरित करो। ये बहुत अच्छा कर रहा है, इसका गुणगान मत करो, जनरल मन इसका गुणगान मत करो। हेलो, ठीक ठीक, इसका गुणगान मत करो, इसके अंदर भूख पैदा करो संगीत सीखने की, संगीत समझने की, संगीतकारों की सेवा करने की, अदब से बात करने की, इसके अंदर भूख पैदा करो, इसकी तारीफ मत करो। यही जो बात है जो विद्वान कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि आपका दिमाग संतुलित रहे। 95% आए मैम, बड़ा कम है। हमें भैया 100 में 95 रहे, बड़ा कम है। अरे बाप रे बाप यार, जब मैंने प्रभाकर पास किया तो 60 में 72 नंबर था, और जो एग्ज़ाम लेके गए उस्ताद से कह रहे हैं एक नंबर के नंबर दिया है तुम्हारे शागिर्द का, तो कहीं एहसान नहीं करो, बजाए रहा। उस्ताद ने ऐसे ही कहा, बेटा एहसान नहीं करो, बजाए रहा, एक नंबर को दिया। भाई वो उस मिजाज का गुरु है, वो उसने कह दिया, देरी लगी छड़ भर उसको सोचने की, कुछ नहीं सोचता, पट से कह दिया तुरंत, एहसान नहीं करो, बजाए रहा। बेहतर उनके जैसे सुन, बाकी जो उनका कहना सुन रखना। तो उस समय ये था, आज 95 लेके जब लड़की आती बताने, सर मेरे 95 पर भैया, बहुत देवी हो तुम, सरस्वती हो, हाँ ना भैया, हम लोग तो सपने में न सोच पाए। बेटा प्रोफेसर राम आश्रय जाए इम्तहान ले रहे थे एमए का, मंच अंदर गए, पैर छुआ, आओ गणेश राव, मंच लेना था। तुम यकीन मानो, तबला मिलाने के लिए हाथ कांप रहे थे, ऐसे ऐसे इतना बड़ा आदमी बैठा हुआ है। तो बोले क्या हुआ? कुछ नहीं पंडित जी, तबला मिला रहे, छेड़ रहे, उधर देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, मिला रहे। ऐसे उन्होंने हाथ किया, मैंने ठीक बैठ बैठा, जितना नंबर दिया बेटा मालूम है, 100 में 62, 100 में 62 पा करके। और पंडित छोटे लाल मिश्रा ने मेरा वाइबा लिया, जब बैठे कि पाल रहे मैंने कहाँ घूमला है, बजा तो बजा सुना दिया। तो दूसरे बैठे थे कुछ कहा, पुष्पा बन्नू भैया के शागिर धवन से कहा, बोल कहीं कुछ तो बुला रहे, कहीं 200 का वाइबा बेटा, 125 नंबर दिया था कि हम 200 में 180 नहीं पा सकते थे, जो मुझे बचपन से जान रहा है। और उस पर ये कि हमने इतना दे दिया और उतने नंबर पा के हमने ट्रैप भी कर लिया, तो सोचो कि सेकंड डिवीजन कितने रहे होंगे, थर्ड। ये बात है, तो इन लोगों ने भाव नहीं बढ़ाया, बिल नेवर। ये कहते थे कुछ करना है ना तो कष्ट साध दे बनो, कष्टों को साधो। तो शोध करना है, और हमने कहा कि भैया ए सुनो, 7 बजे सुबह आ जाओ, 7:30 बजे जाओगे लौटा देंगे। अब भयंकर जाड़ा है, अभी डुटरी बांधे गठरी बांधे, अगर इनको आना तो आवे, नहीं आवे ठेंगे भैया 7:30 बजे, तुम निकल गए टहले, फिर तुम बताएंगे नहीं। तो ये कष्ट साध्य साधना है, इसे भी शोध कहते हैं, इसे भी शोध कहते हैं। तो शोध कैसे करें, शोध करने की दिशा कैसे निर्धारित करने, शोध की हमारी दशा क्या है यानी पर्सनल नॉलेज क्या है, शोध करने के माध्यम किन किन चरणों में होंगे, और विषयक शोध करने के लिए किस किस प्रकार के विद्वान या पुस्तक या समीक्षक या आलोचक या समालोचक की जरूरत पड़ेगी, उनकी एक लिस्ट विषयवार बना लें, जिस भी विषय को आप अपने शोध के लिए
चुनते हैं। तो सबसे पहला है कि शोध कैसे करना है इसके बारे में जानना है, संगीत में शोध की क्या प्रक्रिया होगी इसके बारे में जानना है, ठीक है, शोध की प्रक्रिया क्या होगी इसके बारे में जानना है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि एक शोध करने के लिए कितना समय अधिकतम लगता है? एक शोध को, प्रबंध को पूरा करने में क्या आपको मालूम है कितना समय लगता है, समय सीमा क्या होती है अधिकतम या न्यूनतम? साढ़े तीन साल न्यूनतम, अधिकतम छह साल। बैठ, आपके राय से आपका शोध कितने बरस में पूरा हो जाना चाहिए, जो भी आप विषय लेते हैं, एक माइंड में कम तो आप कोई भी एक विषय को फ्रेम आपने किया होगा, नहीं ऐसा विषय ले लीजिए कि आपको 10 साल लग जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल, और ऐसा विषय ले लीजिए कि आपको लिखने के लिए 70 पन्ने भी ना मिले, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, है ना। एक लड़की मुझे खूब गाली दे रही है, हाँ उसका शोध का जो विषय था, हमने कहा बचकाना हरकत ना करो, शोध करो, शोध दोनों तो बातें हमने बताया बेटा कि हम इतना भी नहीं ले सकते कि 8 साल लग जाए हमारा शोध ना पूरा हो, है बेटा। तुम्हारा क्या नाम है? वैशाली। हाँ ठीक है, और इतना भी हल्का मत लो कि साला 70 पेज 80 पेज से ज़्यादा लिख नहीं पाओ, तो क्या फ़ायदा होगा? शोध की भी एक सीमा है कि कितने टाइम में, और शोध का एक विषय तथ्य भी है कि कम से कम इतना, दोनों बातें होनी चाहिए। मेरे पास अभी एक थीसिस आई, बड़ा मुझे गर्व महसूस हुआ उस थीसिस के करने वाले के ऊपर कि उसने थीसिस में मैटर कम, अपना विज्ञापन ज़्यादा डाला था, करीब करीब 40 पेज, ये पेपर में वो पेपर में, ये झुमड़ी तलैया वो झुमड़ी तलैया, हैं वो फलाने के साथ फ़ोटो, वो धमाके के साथ फ़ोटो, बैठी हैं खड़ी हैं। अरे भैया उनसे साक्षात्कार लियो तो उनके साथ साक्षात्कार लिखाओ ना, कि मैंने श्रुति, आगे क्या हो गई अब तुम, श्रुति शुक्ला जी से साक्षात्कार लिया, जिन्होंने संगीत के 10 थाट के बारे में ये जानकारी दी, अपने प्रश्न और उनके उत्तर, कि इनके साथ फोटो बैठ के खिंचा लो कि बहुत मोटी हो गई अब ये हैं, इनके साथ फोटो खिंचा लो बड़े खूबसूरत बाप के बेटे हैं ये, तो इससे कोई फायदा है नहीं ना बेटा, बहुत विज्ञापन ही हुआ ना। आपने आपसे ध्रुपद के बारे में क्या पूछा, इनसे ख्याल की के बारे में क्या पूछा, उसका आप क्वेश्चन आंसर सीरीज डाल करके दीजिए। आपको 50 कलाकारों के साथ बैठ के, 50 मंच पे कलाकार बैठे, आग पीछे बैठ के ए डेट है मार लो फोटो, ऐसा बहुत होता है। और मुझे इस बात से बड़ी घृणा, ये अच्छा नहीं लगता। तो आप मूल विषय जो तथ्य आपका, उसका शोध परख आप डालिए ना, जो आपने निष्कर्ष निकाला, जो आपने निर्णय लिया है, किस तरीके से लिया और कैसे लिया, वही तो हम पढ़ेंगे कि हम आपका विज्ञापन देख करके आपको कर देंगे। हमने उसमें लिख दिया वास्तविक रूप से नहीं, पूर्णतया संशोधन की आवश्यकता है। चलो ऑटो किनारे, और कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को उसने हमारा दिमाग चढ़वा दिया, वो हमें आओ गुस्सा लगी, हमसे भिखारी बन के आओ, भिखारी मतलब शागिर्द बन के आओ, एक अबोध बच्चे के तरीके से आओ, बेटा खाली हाथ गणेश के घर से नहीं जाओगे, वादा है इस बात का, खाली हाथ नहीं जाओगे। दुश्मन का लड़का भी है, बहुत प्यार से उसको हम डील करके भेजेंगे, मगर अनाथ आओ, 4 लोगों के पीछे अपने लेकर के हमारे पास ना हो, तुम सोचो कि इनसे प्रभावित करा देंगे तो जरा हमारे लिए संभव नहीं है, ये बात बिल्कुल नहीं संभव है। अबोध बन करके आओ, फिर कहते हैं बंधन नीचे हैं विद्यालय के, खाली हाथ नहीं भेजेंगे, समाधान करके ही छोड़ेंगे, चाहे मुझे उसमें कुछ भी करना पड़े, मैं बच्चों के लिए कर जाता हूँ, ये मेरी नियत है, बाकी ईश्वर की मर्जी है ना बेटा। तो आप अपने विषय परक तथ्यों को लीजिए,
तो शोध करने के लिए शोध का जो विषय आप फ्रेम कर रहे हैं उस फ्रेम किए हुए विषय के अनुसार आपको अपने रास्तों को चुनना है। अगर तबला विषय ले रहे हैं तो उसको चुनना है, संगीत वाद्य ले रहे हैं तो उसके बारे में चुनना है, संगीत शास्त्र ले रहे हैं तो उसके बारे में चुनना है, संगीत का क्रियात्मक पक्ष ले रहे हैं तो उसके बारे में सुनना है, कलात्मक पक्ष ले रहे हैं तो उसके बारे में सुनना है, संस्थागत पे शोध करना चाहते हैं तो उसके विषय में रास्ता चुनना है, कलाकार के बारे में रिसर्च करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में आपको रास्ता चुनना है। यानी विषय के फ्रेम के अनुसार आपको संगीत विषय के लिए रास्ते का चयन करना है। कुछ क्लियर हो रही बात? जरा टॉपिक से हट के है सारी बातें, है ना, हमको जरा सब मायने नहीं रखता, बुलाओ चाहे ना बुलाओ, जो बात कहनी है आज की क्लास में बच्चों को ये बताना है कि कैसे करना है, यही तो करने आए हो आप, ठीक है ना। तो जब आपने एक शोध का फ्रेम बना लिया कि हमें इस विषय पे करना है, उसी के हिसाब से आपको अपने रास्ते का चयन करना है और उन चयन के विभिन्न विभिन्न बिंदुओं पर आपको दृष्टिपात करनी है, आपको सोचना है, है ना, उसका चरणबद्ध तरीके से आपको काम करना है कि इतने वर्षों में इतने महीने में ये काम हम करते चले जाएंगे। और अगर आपको उस बंधे हुए समय में काम करना है तभी तो आपका रिसर्च समयबद्ध होगा, अन्यथा नहीं होगा। यहीं पे एक चीज़ आ गई संगीत में, बंधन को क्या कहते हैं, संगीत को जो बांधता है उसे क्या कहते हैं, मिसेस दुबे क्या कहते हैं, जो संगीत को बांधता है उसे क्या कहते हैं, चुप्पन रहे हो, वृषाली जो संगीत को बांधता है, चलायमान संगीत को मानता है, शाबाश, गुड। परिभाषा क्या है, ताल को क्या कहते हैं, सही सर, ताल की परिभाषा क्या है कोई बताए। संगीत में समयबद्ध समय नापने के साधन को ताल कहते हैं। अब आप तो ध्रुपद गायक हो यार, है ना, निरीक्षक बिल्कुल बेशक, वो कंपोज करता है तो बांधता ही तो है, तो तुम भी किसी हद तक सही हो, बांधता वो भी है, एक रचना की तो बांधा थी उसने, एक समय सीमा ली, एक ताल की सीमा ली, एक राग की सीमा ली, उस राग से बाहर नहीं जा सकता, है ना, उस ताल से बाहर नहीं जा सकता। जब हम विदेशों में पढ़ाते थे तो हम कहते थे इन इंडियन म्यूजिक आई हैव ए फ्रेम, वी कांट गो आउटसाइड ऑफ द फ्रेम बिकॉज आई हैव ए रागा, इट्स दिस इज द फ्रेम ऑफ यमन, यू कैन नॉट गो आउटसाइड, एज वेल एज इन दिस थॉट ऑल्सो, कि उस थॉट में और भी राग हैं, ठीक है ना, बट हम यमन में ही रहेंगे, दिस इज द इंडियन म्यूजिक। बेटा तुम जब चाहो तो कार पे चढ़ो, जब चाहो तो नाव पे चढ़ो, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, कार पे चढ़ेंगे तो कार से जाएंगे, पैदल चलने में लोग अमे यार पेट्रोल खत्म हो गया कार, हाँ भैया डलाए दो यार पेट्रोल टंकी तो बहुत दूर है, भैया पैसा दे दो हम खरीद ले, बस हो गई काम खत्म। ये हिंदुस्तान है, है ना, वहाँ लोग टोकते नहीं। तो वी हैव ए फ्रेम, इनसाइड इन द फ्रेम वी कैन रन, वी कैन वॉक, एवरीथिंग वी कैन डू, बट इन द फ्रेम वी कांट गो आउटसाइड ऑफ द फ्रेम। तो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ रागा, ये राग की फाउंडेशन है, आप नहीं जा सकते। उसी प्रकार से अगर एक वाग्यकार ने या एक संगीत रचनाकार ने, जैसा कि हमारे बच्चे ने कहा कि निर्देशक जो है डायरेक्टर, उसके बिना परमिशन के आप सा भी नहीं कह सकते,
उसने आपको अपनी रचना में बांध दिया है। बट संपूर्ण संगीत का जब चलायमान होता है तो कंपोजर भी पहले एक ताल रख लेता है, 10 मात्रा, 7 मात्रा, 8 मात्रा, 9 मात्रा, उसके बाद में उसने कंपोज करी। और उसके बाद में आजकल तो ये भी होने लगा, गुरु का हरवा ताल धागे नाती नागा दिन नहीं बजना, कहते क्या बना धिन तक 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 थन्ना, धिन तक 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 थन्ना, ये बजा। हमें ऐसा ठेका चाहिए, है कहरवा ताल बीट आठ है, पर ठेका हमें ऐसा चाहिए, मटकता हुआ भटकता हुआ। दूसरा कंपोजर यार मैं उठकर उड़ा दो, ऐसा टेका चाहिए, तुम बजते रहो हम गाते रहेंगे, राइट। तो ये क्या है, कंपोजर को क्या चाहिए उसके हिसाब से करना पड़ेगा बाबू। मगर संपूर्ण संगीत के क्रियात्मक पक्ष को क्या बांधता है, ताल, ठीक है ना। तो संगीत में समय बद्ध समय के नापने के साधन को ताल कहते हैं। उसी प्रकार से शोध के विषय के अनुसार एक समय बद्ध को अगर आपने माप करके अपने आप को नहीं बांधा मिस्टर, तो फिर एक एप्लीकेशन लगाओ, सर 6 महीने की परमिशन दे दीजिए प्लीज, फिर 6 महीने बाद सर क्या करें, मिसेस की तबीयत खराब थी, 6 महीने की परमिशन और दे दीजिए, भीख सही कह रहे बेटा। कभी कभी किसी के साथ वास्तविक घटना हो भी जाती है, हो जाती है, ये प्रकृति है, वहाँ तो बेटा चलेगा, लेकिन अगर तुम सब ऐसी नियति बना लोगे तो फिर कैसे काम चलेगा बेटा। तुम अपने ही 1 साल का नुकसान कर रहे हो, ये तुम भूल जाते हो। तो अगर संगीत में रह करके तुम समयबद्ध ना हो सके, गतिबद्ध ना हो सके, तो फिर संगीत के विद्यार्थी कहलाने का अधिकार नहीं है, हमें भी नहीं और तुम्हें भी नहीं है। बस हमारे तुम्हारे में इतना फर्क है कि हम यहाँ बैठ के संगीत के विद्यार्थी हो, तुम वहाँ बैठ के संगीत के विद्यार्थी हो। हमने आपको इससे ज़्यादा अपने आप को कभी समझा नहीं, शायद मैं इसीलिए खुश रहता हूँ क्योंकि कोई ईगो है ही नहीं, न पद का ना और किसी चीज़ का, कुछ नहीं। तो अगर संगीत का विद्यार्थी, जिसको कहते हैं संगीत से मोक्ष प्राप्ति का साधन कहते हैं, हैं अब मैम अपना काम ही नहीं समाप्त कर पा रहे, काम से मोक्ष बताओ बिचारी, मोक्ष तो बहुत बड़ी बात है कि हम संगीत से मोक्ष प्राप्त कर देंगे, अरे हम संगीत को समय पर न कर अपना काम ही पूरा न कर पा रहे, समाप्त कर पा रहे, तो मोक्ष तो बहुत दूर की बात है। हैं किसने देखा कि अपराध हमको ले गए मोक्ष दिए कि कढ़ाई में तौल दिए, है ना। तो ये समयबद्ध जो आपका है संगीत में, जिसे हम ताल के नाम से जानते हैं, अगर आपने अपने सांगीतिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में अपने आप को तालबद्ध कर लिया, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आप समयबद्ध अपना शोध प्रबंध पूरा कर लेंगे, और उसके बाद में आपका शोध प्रबंध का वायबा होने में भी समय लगता है, सर्टिफिकेट मिलने में भी समय लगता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि प्रमोशन होना है, वाइबा नहीं हुआ, बैठे हैं, टाइम निकल गया। कभी कभी अप्लाई करना है तो जो ओरिजिनल से पहले वाला क्या कहते हैं सर्टिफिकेट को, प्रोविजनल, उसी के लिए परेशान, वही मिल जाता तो अप्लाई कर देते। तो ये गलतियाँ कौन करता है, कोई आपसे करवाता नहीं है, आप करते हैं, और जो आपसे करवाता है यकीनन मान लीजिए चाहे आपके बाप क्यों ना हो, वो आपके हितैषी नहीं है। मेरे अंडर जो रिसर्च करने आता है, बहुत से बाहर के भी लोग आते हैं, लड़की है तो मैं उससे बात नहीं करता, अपने बाप को बुलाओ, क्वेश्चन बाप से करेंगे, ये तो बिटिया है, ये क्या जवाब देगी उनको कि भैया शादी 3 साल करवो कि नहीं, अगर 3 साल शादी नहीं करना है तो भेज दो हमारे पास, और करना है तो फिर ये सदगति या दुर्गति जो होगी इसके जिम्मेदार आप होंगे और आपकी बेटी हम नहीं होंगे। क्यों चली गई, अब आना है, सास की तबीयत खराब है कैसे आवे, अब आना है, आदमी का ट्रांसफर हो रहा है कैसे आवे, बैठा हो गई ना, तो बिटिया है ना, हम भी बाप हैं तो हम जानते हैं क्या प्रॉब्लम लड़की को हो सकती, वहाँ वो मजदूर है, दुर्गति शुरू हो गई, इसलिए भाई साहब 3 साल शादी ना करो,
ज़्यादा अच्छा है पीएचडी कर लीजिए, अगर शादी कर दो पीएचडी नहीं करो, दोनों तरफ को बांधो ना, हम अलग करिए ही सास अलग करिए भाई, इससे फ़ायदा का है कुछ ना करो। हाँ हम जानते हैं, तो ऐसी स्थिति आप लोग के साथ बेटा नहीं है, महिला के साथ में है, मगर उनके साथ भी नहीं है, फ्रेश हो चुकी हैं हम, ई बिटिया के साथ है अभी, है ना। तो ये जो समयबद्ध की बात हमने करी है, वो व्यक्ति संगीत में शोध किसी भी विषय में हो, मगर हम संगीत की बात करेंगे, वह व्यक्ति संगीत विषय का जो विद्यार्थी है और संगीत का शोध का विद्यार्थी बनना चाह रहा है, वह अगर अपने निजी जीवन में तालबद्ध हो करके, लयबद्ध हो करके काम करेगा, निश्चित रूप से उसका समय प्रबंधन अच्छा होगा और वो अपने शोध प्रबंध को चरणबद्ध तरीके से करते हुए निर्धारित समय में पूर्ण करके डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर लेगा। मगर ये ईश्वर उन पर कृपा करे कि उनका दिमाग बहके नहीं, और वही आपके शुभ चिंतक होंगे जो आपको समयबद्ध कार्य करने की प्रेरणा देंगे, और वो आपके भीषण अहितैषी होंगे जो आपका, अरे यार हो जाएगा काहे चिंता करते हो, ऐसे लोग कभी नहीं करते। मेरे जीवन पे ऐसे लोगों का प्रभाव पड़ा नहीं, इसलिए मेरा कभी भी एक साल मेरे अपने शिक्षा के दौरान, सांगीतिक शिक्षा के दौरान मेरा बर्बाद नहीं हुआ। और मैं आप लोगों की बात बता दूँ, व्यक्तिगत बात मेरी है, मेरे शैक्षिक जीवन में संगीत विषय नहीं है, सब कुछ करने के बाद फिर संगीत लिया है, शायद इसीलिए वो तू चल मैं आता हूँ मेरे साथ ज़्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि गुरु के घर में रहा, तालीम और संगीत हुई, शिक्षा हुई, बीए भी हो गया, एमए भी हो गया, डायरेक्ट प्रभाकर डायरेक्ट एमए, नो नीचे वाला है ना, और प्रैक्टिकली थे, तो इसलिए गाना बजाना काम था भाई, पैसा नहीं था तो पैसा भी कमाना था, ये सब चीज़ें बातें होती थी। तो लेकिन आपके साथ बाध्यता नहीं है, और अगर आपका आर्थिक दृष्टिकोण कमज़ोर नहीं है तो आप अपने आप को हिम्मत मत हारिए, बिल्कुल मत करिए। अगर शोध करना है तो शोध को चरणबद्ध तरीके से करिए, किसी प्रकार की कोई भी आपको विषयक समस्या आती है मुझसे कहिए, और सभी लोगों से कह रहा हूं 10 टॉपिक सबके पास लिखा होना चाहिए, और ये मत समझिए कि कोई दूसरा पढ़ा रहा तो मान नहीं सकते, किसी भी क्षण प्रकट हो जाएंगे और हमको कोई रोक नहीं सकता, पढ़ाने वाला यहाँ जो भी बैठा होगा मेरे पास, किसी की इतनी हिम्मत और मजाल नहीं है, हाँ कि मैं किसको बुला लूँ, आओ बाहर। सब लोग 10 टॉपिक विभिन्न विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो उस पर शोध हो चुके हैं, सब लोग 10-10 टॉपिक ढूंढ ढूंढ करके लिख करके रखें, और जब आप चाहेंगे, मैं गणेश प्रसाद गुप्ता आपको आश्वासन देता हूँ, ये क्लास व्लास रिकॉर्डिंग विकॉर्डिंग अच्छा पाचा सब बंद करो, हो रहा है जो होता रहेगा, आप इसलिए आना, आप इसलिए मेरे पास 2 घंटा बैठिए, मेरा समोसा खाइए और मुझसे पढ़िए, ये हमारी बिटिया जानती है, ठीक है, और डिस्कस कीजिए अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में, जो ढूंढ के लाइए किस पे करना चाहते हैं, वो आपका अनऑफिशियली है, जो 6 महीने के बाद आप सोचेंगे वो आपको 6 महीने में भर देना चाहते हैं आपकी खोपड़ी के अंदर, तब तो हमने कुछ यार तुमको दिया, वरना ये सब तो कोई माने नहीं रखता हमारे लिए, ना हमने किया है ना हमको, हमने तो जिसकी ड्यूटी पर गए चाय भी पिलाया, नाश्ता भी कराया, खाना भी खिलाया, सिखाया पढ़ाया भी, और पूछ भी लिया रिक्शा पैसा है कि नहीं, कैसे आए हो, 2-4 रुपये दे भी दिया, हम लोगों ने वो तालीम पाई है ना, अब बहुत पुरानी तालीम नहीं बता रहा हूँ, 1976 के बाद से मेरी तालीम है, ठीक है ना। तो जो 6 महीने के बाद आप सोचेंगे विचारेंगे डिस्कस करेंगे, आपको सब सुपरवाइज़र के नाम मिल जाएंगे, जरा आप सबको देख लीजिएगा, सबको टच कर लीजिएगा, फिर ये मुर्गा आदमी को भी टच करिएगा, हम जरा सबसे हट के ही मुर्गे हैं है ना, जबान की ख़राब है
लेकिन काम के ख़राब नहीं हैं। तो सब लोग 10-10 टॉपिक निकाल के बेटा ढूंढ के सब लोग रखो और सब डिसाइड कर लो कि 3 दिन क्लास हो गई, चौथे दिन की क्लास होनी है, तो इकट्ठा हो जाओ सब, 2 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा जी भर के पढ़ो मेरे बच्चों। हम लाद के ले जाएंगे, ले जाना नहीं चाहते, दे के जाना चाहते। ना मेरा बेटी गाना बजा करती, ना मेरा बेटा, तुम्हें मेरी बेटी हो, तुम्हें मेरे बेटे हो, बात खत्म, है ना। ये है, 10-10 टॉपिक निकालोगे 100 टॉपिक आ जाएगा। और जो टॉपिक लेकर के आओगे, हर टॉपिक पे तुम्हें मैं 10 मिनट में फटाफट मारूंगा, ऐसे तुम सबके दिमाग में वो चीज़ आती जाएगी। और फिर ग्रामर शायद तुम खुद बना लो, तुम खुद बना लो, तुम खुद बना लो, है ना बेटा। हमको दिन दुनिया क्या देगी, ऊपर वाला बहुत दे रहा, दोनों हाथ में लड्डू है गणेश के। मगर हमारी खुशी तब होती है जब हमारा बच्चा कहीं जाके सेटल होता है। जब कोई हमसे कहता है, हमको तो बेटा उसी से पूछना कि हम उसके कौन है, हम नहीं कहते कि ये कौन है, उससे पूछना। जब वो कुछ कहे तो बात है, वरना तो सब जज्बात है, है ना। तो संगीत, ताल, लय, ये तीन हैं। संगीत है तो ताल वहाँ है, और जहाँ ताल है वहाँ लय है, ये भी देखे रहना। जहाँ संगीत है तो हाँ अच्छा, तो वहाँ ताल है, और जहाँ ताल है तो वहाँ लय है। तो संगीत क्या है, लय ताल युक्त है। किसी भी प्रकार के संगीत कला का प्रदर्शन बिना गति यानी लय और बिना ताल यानी समय मध हुए हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही, क्लियर, आपकी बात समझ में आ गई। तो अब संगीत स्वर लय ताल, स्वर में संगीत में ताल की महत्ता क्यों है, और लय क्या है, और लय के बिना स्वर कहाँ है, और लय के बिना संगीत कहाँ है, और ताल के बिना प्रदर्शन कहाँ है, कल इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो स्रोत और साधन हो पढ़ने का, आप लोग इस पर ज़रा दृष्टिपात कर लीजिएगा। क्योंकि कल हम, और एक बात हम कहना चाहते हैं, हम जो पढ़ाएं अच्छा लगे तो भी कहो यार, बुरा लगे तो भी कहो, समझ में तो आए कि हम कुछ पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। और अगर उसके पहले उस प्रकार का पढ़ा है तो भी बताओ कि सर हमने पहले यहाँ पढ़ा था इनसे, और नहीं पढ़ा तो ये भी बताओ कि हमने नहीं पढ़ा था, तो हमें ये लगे कि हमारी सोच कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रही है, हैं? ठीक है ना। तो ये कल हम बताएंगे, तो कल ध्यान रखिए गति, ध्वनि और समय, तीनों चीज संगीत के शोध के लिए बहुत आवश्यक है। और कैसे होगा ये हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामना कि आपका अपना लक्ष्य जो है वो पूर्ण हो। आप इतनी इतनी दूर से आए हैं, मन लगा करके पढ़ें, किसी भी समय हम कभी नहीं कहते, 11 से 2 के बीच में आप हमसे बात कर सकते हैं कभी भी, अगर आपकी क्लास नहीं है तो। और आपकी जब हमसे क्लास है, यहाँ आप पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, कोई और भी हमारे जो आएंगे प्रोफेसर पढ़ाएंगे उनसे पढ़िए। सबको 10-10 विषय ढूंढ के रखना, और जिसने नहीं रखा हाँ फिर समझ लो फिर हमारी यहाँ से फिर आचे पाचा है, फिर समझ रहे हो ना। हाँ 10-10, 10-20, 30-40, 50-60, 70-80 टॉपिक हुए बेटा। अब 80 में 8 और निकल जाएगा तो 88, 2-4-10 तो मैं ऐसे निकाल देते फूक करके, रोज 100 हो जाएगा। अब उसमें छाटिए भी रहिए आप, ये बेटा टॉपिक बनने में कुछ लगता है नहीं, यूँ बनाते हैं हम, फेमस इस बात के लिए जो है वो कहते हैं साला पता नहीं कहाँ दिमाग रखता, पंजाब वाले पागल लेते हैं, कौन से जेब से निकाल के लाता है, कहाँ से निकाल के लाता है, है ना। वहाँ जब हम जाते हैं तो वहाँ पर उल्टी पलटी चालू हो जाती है बेटा, हाँ वो ऐसे उनको क्या बोलते हैं वो, इनो नहीं वो दूसरा वाला ग्लूकोज उनको पिलाया जाता है, तो तुलसी क्या होगा जी, सर कल
छुट्टी तो नहीं है कॉलेज में? आज पढ़ाया, कल छुट्टी मांग रही है। अरे सर हम पूछ रहे हैं कल, क्योंकि एक गेस्टेड हॉलीडे है इसलिए पूछ। हम प्राध्यापक पढ़ाने गए, छुट्टी के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए। आई डोंट नो आल्सो। ओके सर, कल हमारे कॉलेज रजिस्टर में कल छुट्टी। तो तुम्हारे कॉलेज के रजिस्टर में क्या लिखा है? आई डोंट नो, वो अस्मिता जी जाने। है बड़ी अच्छी, इतने डिस्ट्रिक्ट वे में बात करती, मेरे उनसे बात होती रहती है। ठीक भाई, ठीक है बेटा, देखो पढ़ाते पढ़ाते कितना मज़ा आया कि मोसा समोसा चाय सब चला चला गया। हमारे साथ यही होता है। आप पूछ रही थी कि कौन क्लास है? ठीक, ओके बेटा। ए भैया ये सब बंद करो, ये देखो सब लगाए चले जा रहे हैं। ये देखो ये उनको देना।